एबीपीएस न्यूज़। गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला हापुड़ के ब्लॉक सिंभावली में स्थित वीरमपुर गांव पहुंची। इस समय सफायत अली को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 2600 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। लगभग 1261 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 312 राशन कार्ड धारक हैं। साथ ही यह भी पता चला कि गांव में 4 विधवा पेंशन, 8 वृद्धा पेंशन व 3 विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में 341 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 18 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 35 विद्युत पोल, 18 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, विद्यालय में मरम्मत कार्य, तालाब, कब्रिस्तान की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम शफात अली है और मैं ग्राम प्रधान बीरमपुर, थाना सिंभावली, ब्लॉक सिंभावली, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ और गांव में मैं प्रधान कंटिन्यू हूँ। गांव में पैसे के हिसाब से काफ़ी काम हुए हैं। मैन खास करके स्कूल में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। गांव छोटा है, आबादी कम है, पैसा बहुत कम आता है, ज़रूरत के हिसाब से पैसा बहुत कम है। नालियाँ का काम बाकी है, कई काम ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। गांव के में परेशानी है, तो सबसे पहले पानी की निकासी की। गांव के पानी का निकास जो है वो खेतों में जा रहा है, उसका कोई बंदोबस्त नहीं है। सिर्फ पैसे की वजह से उसका बंदोबस्त नहीं हो पाया है। गांव में पंचायत घर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, पंचायत घर की। स्कूल के अलावा कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहां पर हम मीटिंग और ले सकें, लोगों को गांव के विकास के कार्य में समझा सकें, बुला सकें। स्कूल में जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, मीटिंग वगैरह लेते हैं तो समय देखना पड़ता है छुट्टी वाले दिन। सबसे पहले ज़रूरत है ग्राम पंचायत में पंचायत घर की और पानी के निकासी की सबसे बंदोबस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल में काफ़ी काम हुआ है हमारे में, और उससे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की डिमांड, जो नाली का ठीक होना है। हमारे खाते में बिल्कुल जीरो बैलेंस है, 2200 रुपये बचे हैं। तो काम तो बहुत हैं, योजनाएं बहुत हैं, सारी चीज़ है पैसे की। पैसा आ जाए तो हम काम कराएं। पेंशन बहुत कम है गांव में, 98% मुस्लिम आबादी है, गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। तो पेंशन वृद्धा विधवा विकलांग तीनों पेंशन है बहुत कम है। प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ एक गांव में एक सिर्फ एक मकान बना है, जबकि ज़रूरत कई मकानों की है। कई लोग ऐसे हैं जो छप्पर में रह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से यही मेरी गुजारिश है कि गांव के आबादी, मुस्लिम आबादी, पिछड़ी आबादी को देखते हुए यहाँ धन की ज़रूरत को पूरा करें, ताकि मैं ग्राम में विकास कार्य कराकर गांव के विकास में पूरा सहयोग करूं। और गांव में बड़ी शांति है, बहुत सुकून के साथ रह रहे हैं, आपसी भाईचारा कायम है, सहयोग मिलता है काम के लिए। स्कूल में चल रहा है, बच्चे पहले
सबसे ज़्यादा स्कूल में पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है मैंने। स्कूल भेजना 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मेरा टारगेट है, सब स्कूल जाएं। स्कूल में बेंचों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था ये कराई है। और आपने देखा होगा स्कूल का क्या हालात है, क्या फैसिलिटी स्कूल में है। और अगर और पैसा आ जाए तो और विकास में सहयोग होगा और फैसिलिटी स्कूल में जो ज़रूरत है वो पूरी कर दी जाएंगी। बाकी तो जो डिमांड है ग्राम में पैसे की विकास के लिए उसकी ज़रूरत है। पानी की टंकी की व्यवस्था नहीं है, पानी ख़राब है, ज़्यादातर नलों का हैंडपम्प ख़राब हो रहे हैं। कुछ रिबोर कराए हैं, कुछ अभी गर्मियां आने वाली हैं तो कुछ भी। नाम है बिंदर है, गाँव में सफाई बढ़िया चल रही है।